अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम टी वी से मैं हूँ तैमूर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त मैं डेरा इस्माइल खान के बाज़ार, जहाँ पे जो शूज़ मार्केट है ख़ास तौर पर वहाँ पर मौजूद हूँ, और देखते हैं कि इस दफ़ा जो शूज़ हैं, जो जूतियाँ हैं, वो कितनी महंगी है। सो मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, ये ख़रीदारी करने आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र, आप ठीक हैं? जूती ले ली आपने? जूती तो ले लिया। महंगी है, सस्ती है? बस इंशाल्लाह रेट तो अच्छा है, क्योंकि जो जिस तरह मैंने मांगा इस तरह दे दिया, रेट अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। कितने का मिला? मिसाल 1300 रुपये मिला है। 1300 पिछले साल से, इस साल कीमतें ज़्यादा हैं या? यार इंशाल्लाह पहले से तो अच्छा है। अच्छा, हाँ ये पसंद है, ये पता नहीं अब किस तरह देते हैं। अच्छा, हाँ क्या लगता है, महंगी है सस्ती है? इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, भाई को पता नहीं चला। हाँ, उसके पास सऊदीया की रकम थी, पाकिस्तानी करंसी का तो उसको पता नहीं है ना। यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हद से ज़्यादा। जो चीज़ हमें पहले 1000-1200 की मिलती थी ना, अभी 2500-3000 की है। गरीब आदमी किधर जाए? सईद अहमद अख्तर एजुकेशनल नेटवर्क में कंकोडिया कॉलेज के बाद एक और शानदार इजाफा। अब कंकोडिया स्कूल लाया तालिबात के लिए जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मयारी तालीम का सुनहरी मौका। आठवीं और नवीं क्लासेस में महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी हैं। लोग तो वैसे कह रहे हैं, तो हर साल लोग ये कह रहे हैं कि महंगे महंगे ब्रेड माशाल्लाह। ये जो चरसते वाला, जलमे वाला भी है, जरदारी वाला भी है। जरदारी वाला ये है और जर्मी वाला डिजाइन ये है भाई। बट डिजाइन है नाम पे होता नहीं, इस वजह से। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, एग्रीकल्चर में जॉब करता हूँ। आपको महंगाई का पता है, जिस तरह से महंगाई है, घी दाल की कीमतें देख लें, और ये जूते वगैरह, कपड़े वगैरह, बस क्या करना है। अब बच्चों को कुछ करना तो है सर, जिस तरह भी करेंगे, बाकी महंगाई तो अल्लाह पाक माफ़ी करे। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि इस महंगाई को कम किया जाए, ताकि हर गरीब इस ईद पे खुशियाँ मना सके, जूते खरीद सके, कपड़े खरीद सके। बकरी जो सा है जूतियाँ मार्केट ज़्यादा इतना इतना, लेकिन गिनते पे पता लगे महंगी है या सस्ती है। अल्लाह खैर करे, देखो किराया छुड़े ने या किराया को ज़्यादा पैसे गिनने बाद देखो, अल्लाह खैर करे सी अजन तो पसंद करें तो बात इंशाल्लाह। देखो महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग उस तरफ ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं जिस तरह, मतलब क्या कि पहले लोग करते थे। जो लोग पहले दो दो तीन तीन आइटम लेते थे, वो एक ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल से दो पे जाते हैं, तो यही कह सकते हैं। प्राइस में क्या फ़र्क है? प्राइस रेट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से लोग ना उस किस्म की ख़रीदारी नहीं कर सकते। वो यहाँ पर एक डील भी चल रही है, तो चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना, डील बन रही है जी? कितने की है ये? 1100 की है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। हाँ जी, महंगी सस्ती है? सस्ती है, महंगी महंगी है क्या? सस्ती है, हाँ महंगी है। गिंदे पैर भी उनके नहीं? गिंदे पैर। कितने दी? 900 दी। 900 की देंगे जी? जी, बहुत अच्छा रेट इसका मिले। 500 में दे रहे हैं जी? 900 में सस्ती है? 900 तो सही है, सस्ती नहीं है। हाँ नहीं है सस्ती, सस्ती नहीं है, लेकिन बस ये है कि गुजारा हो जाएगा। ईद पे पहननी है, अपने लिए ले रहे हैं। हाँ नज़ीन, इनकी तो चलो डील बन गई, 1100 से 900 पे बात आ गई, तो मजीद भी इस तरह से शहरियों से बात करते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। पहले वाला 500 वाला चपला भी 1200 का मिलता है। सारा बाजार में बस महंगाई ज़्यादा है, अलारा हम कर बिजली नहीं, लोड शेडिंग ज़्यादा है। बस डिप्टी कमिश्नर ई सी को कोई पता नहीं रेट चेक करने के लिए, ना कुछ पता है, ना सब्जी हर दिन आज 100 का है, कल 200 का है। बस सिर्फ गरीब लोग तबाह है, बात है, कोई पूछने वाला नहीं है। अली अमीन वाली वजी अला बना हुआ बोलता है 6 घंटे आप तुम्हारी सारी मेरी शेडिंग नहीं है, अभी 24 घंटे में मेरा लैंड में 2 घंटे बिजली भी नहीं है। बस बात है, अल्लाह रहम करे। हमने इस वीडियो में कोशिश की कि लोगों की कुछ डील भी करवाएं, उनको जूतियाँ भी लेके दे दें। तो ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।